हमारे सामने जो है ये एक ई रिक्शा का थ्रोटल यानी एक्सेलेटर है, और ये जो रेड कलर का बटन यानी स्विच आप देख सकते हो, इसके बारे में तो आपको पता ही है कि ये जब हम रिवर्स में लगाते हैं तो हमारा ई रिक्शा पीछे की ओर चलते हैं, लेकिन ये ई रिक्शा में जब हम इसको रिवर्स में लगाते हैं तो हमारा ई रिक्शा फ्रंट की ओर चलते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो ये हमारा मीटर है और मीटर को मैं ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो आपने देखा कि हमारा मीटर ऑन हो चुका और हमारा रिवर्स का यानी बैक हॉर्न का साउंड भी आ रहा है। जब हम इसको फ्रंट में लगाते हैं तो हमारा साउंड बिल्कुल बंद हो जाता है। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमने रिवर्स में लगाया और हमारा बैक हॉर्न से आवाज आना शुरू कर दिया है, लेकिन जब हम ये एक्सेलेटर को दबाते हैं तो हमारा ई रिक्शा पीछे की ओर नहीं फ्रंट की ओर चलता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये हमारा एक्सेलेटर और ये लगा हुआ है रिवर्स में। तो आप देख सकते हो जैसे हम एक्सेलेटर को दबाया और हमारा ई रिक्शा फ्रंट की ओर चल रहा है। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा दूं। तो आप देख सकते हो हमारा ई रिक्शा का प्रॉब्लम क्या है, यानी रिवर्स में लगाने से फ्रंट की ओर चलता है और पीछे से बैक हॉर्न का आवाज भी आ रहा है। तो आपने देखा हमारा ई रिक्शा का प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका ई रिक्शा में अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ओके करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले वीडियो पे मैं दिखाया था आपको कि हमारा 12 वोल्ट का कनेक्शन अगर नहीं मिलते हैं तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज मैं आपको दिखा दूं कि हमारा ये हॉर्न सही है, इंडिकेटर सही है, फिर भी रिवर्स में नहीं जा रहा है। ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको यहाँ पे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो होता है ये हमारा फ्रंट और रिवर्स का जो स्विच होता है उसका वायर, तो ये जो वायर्स लगा हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी रिवर्स का बटन को दबाया हूँ और हमारा बैक हॉर्न से साउंड आ रहा है, और जैसे ही हम इसको निकाल दूंगा और हमारा रिवर्स का साउंड बंद हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारा रिवर्स का साउंड बंद हो चुका है। यहाँ से जितना वोल्ट हमारा बैक हॉर्न में जाना चाहिए उतना वोल्ट जा रहा है, लेकिन कंट्रोलर में जो वोल्टेज देना जरूरी है वो हमारा कंट्रोलर में नहीं मिल रहा है, और जिसके वजह से हमारा ये ई रिक्शा रिवर्स में नहीं चल रहा है। तो चलिए इसका कनेक्शन पहले मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो चलिए अभी पीछे की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा बैक हॉर्न की आवाज़। तो चलिए इसको पहले निकाल देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो ये बैक हॉर्न का जो वायर है इसको हम निकाल दिया हूँ और अभी हमारा बैक हॉर्न काम करना बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये रिवर्स में क्यों नहीं जाता है। तो ये होता है हमारा रिवर्स जाने के लिए जो वायर्स रहता है कंट्रोलर में वो वायर। तो ये आप देख सकते हो इसका कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा ई रिक्शा रिवर्स में नहीं चलते हैं। तो चलिए इसको हम पहले निकाल देंगे और मल्टीमीटर के जरिए हम दिखाएंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तो ही हमारा रिवर्स में नहीं चलते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट किया हूँ, आप देख सकते हो। तो अभी हमें सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं आते हैं तो हमारा ई रिक्शा रिवर्स में नहीं चलते हैं। तो आपने देखा रेड यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव में हम ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रॉग को लगाया हूँ, और ये जो है ये हमारा मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रॉग है। इसको हम ये जो
डीसी में माइनस गया है यानी नेगेटिव वायर इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों हाथ में मेरा दोनों वायर्स कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन हमारा मल्टीमीटर में कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है और जिसके वजह से हमारा ई रिक्शा रिवर्स में नहीं चलते हैं। ऐसा प्रॉब्लम अगर आपका ई रिक्शा में आते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक वायर्स का टुकड़ा ले लीजिए जैसे कि मैं लिया हूँ। तो इस तरह का एक वायर का टुकड़ा चाहिए और इसी वायर का टुकड़ा के जरिए आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो और कोई चीज़ आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको तो पता ही है कि ये वायर्स हमारा रिवर्स जाने के लिए काम करते हैं, तो इसमें हम ये वाला वायर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये हमारा कनेक्शन बिल्कुल हो चुका है। अभी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वायर्स का जो ये साइड है इसको हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है जो हमारा रिवर्स का वायर्स होता है। तो आपने देखा कि हम इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ और अभी हमें ये वायर्स को अभी मैं ये जो बैक हॉर्न होता है इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए अभी एक बार रिवर्स में लगा के चेक कर लेते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो मैं अभी आ चुका हूँ एक्सेलेटर की यहाँ पे और ये हमारा रिवर्स का स्विच है। तो अभी हम इसको रिवर्स में लगाएंगे। तो आपने देखा रिवर्स में जैसे ही लगाया और पहले जैसा ही हमारा बैक हॉर्न अच्छा से काम कर रहा है। अभी ये एक्सेलेटर को दबा के देखना है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो हम ये एक्सेलेटर को दबा रहे हैं और हमारा जो ई रिक्शा है ये रिवर्स की ओर चल रहा है। तो आपने देखा एक वायर्स का टुकड़ा लगा के किस तरीके से आपको ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके ई रिक्शा में आता है तो कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।